व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है मेरा लास्ट दिन यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में, बट लास्ट दिन के लिए मैंने कुछ बहुत ही स्पेशल प्लान किया हुआ है। आपको वो टाइटल एंड थंबनेल से पता लग गया होगा। येस, आई एम फाइनली गोइंग फॉर अ हेलीकॉप्टर राइड हियर इन न्यूयॉर्क सिटी। मतलब इतने सारे लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि अगर आप न्यूयॉर्क आओ तो ये चीज़ बिल्कुल मस्ट डू है। तभी मैंने कोई भी ऑब्जर्वेशन डेक नहीं विज़िट किया था। जैसा मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था न्यूयॉर्क सिटी के, कि यहाँ पर आप बहुत सारे ऑब्जर्वेशन डेक्स विज़िट कर सकते हो। टॉप ऑफ द रॉकफेलर सेंटर, वन वर्ल्ड के ऊपर जा सकते हो, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर जा सकते हो, वहाँ से बहुत अच्छे व्यूज़ होते हैं। बट मेरी हेलीकॉप्टर राइड प्लान थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि फिर वहाँ जाके पैसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगा पूरी न्यूयॉर्क सिटी हेलीकॉप्टर से कैसी लगती है। मतलब यार, ये पूरा कॉन्क्रीट जंगल है, इतनी सारी स्काईस्क्रेपर्स हैं, तो एक अलग ही व्यू होना चाहिए। एंड आई विल शेयर द होल एक्सपीरियंस विद यू गाइस। अभी बस मैं अपार्टमेंट से निकला हूँ, मैंने चेकआउट किया है, क्योंकि आज रात की मेरी लॉस एंजल्स की फ़्लाइट है। एंड कल जा रहा हूँ मैं वापस पोलैंड, क्योंकि रिटर्न मैंने लॉस एंजल्स से कराई थी। तो बस चेकआउट करके अभी पहले जा रहा हूँ मेन जो सेंटर है यहाँ का, टाइम स्क्वायर, वहाँ पर अपना लगेज वगैरह सबमिट कराऊँगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत लगेज है। एंड फिर चलेंगे, थोड़ी बहुत और चीज़ें देखेंगे न्यूयॉर्क में। एंड देन शाम को 4 बजे है मेरी हेलीकॉप्टर राइड। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट टुडे स्पॉन्सर, विच इज़ epidemicsound.com। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो या फिर मेरा चैनल बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि जितना भी मैं म्यूज़िक यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस में, सारा epidemicsound.com से आता है। जब से मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी, तब से मैं epidemicsound.com यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपने भी अपना नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा है, चाहे फिर वो यूट्यूब हो, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एंड यू नीड कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, देन epidemicsound विल बी योर बेस्ट चॉइस। इट हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ कॉपीराइट फ्री म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स। epidemicsound.com पे डेली नया म्यूजिक ऐड होता है। चाहे फिर आप कोई भी वीडियो बनाते हो, कोई भी आपका जॉनरा है, ट्रैवल, टेक, हर टाइप का म्यूज़िक आपको मिलेगा उनकी वेबसाइट पे। तो 2 साल से रेगुलर epidemicsound यूज़ करने के बाद मैं आपको हाईली रिकमेंड कर सकता हूँ। एंड स्पेशली राइट नाउ वुड बी द परफेक्ट टाइम टू साइन अप, क्योंकि अभी उनका साइबर वीक ऑफर चल रहा है। तो अगर आप मेरी लिंक से जाके साइन अप करोगे, तो फ्री ट्रायल के साथ साथ 1 महीने का फ्री ट्रायल तो आपको मिलेगा ही, उसके अलावा यू विल गेट 2 months विद 75% डिस्काउंट। सो गाइज, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म फॉर द बेस्ट कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, देन आई विल हाईली रिकमेंड यू epidemicsound। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एंड कमेंट में भी पिन कर दिया है। गो साइन अप राइट नाउ। एंड अब चलते हैं वापस ब्लॉग की तरफ। तो मैं अभी आया हूँ यहाँ के जो सबसे मेन बस स्टेशन है, टाइम स्क्वायर के पास। इसे पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल कहते हैं। लगेज की स्टोरेज देखने मैं इंटरनेट पे चेक कर रहा था। यहाँ न्यूयॉर्क में क्या होता है कि बहुत सारी जो दुकानें हैं वो अपनी लिस्टिंग कर देती हैं कि आप उनके पास लगेज छोड़ सकते हो। $6-7 लेते हैं वो एक बैग के, पूरे दिन के। बट यार, क्योंकि वैल्यूएबल्स बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तो वहाँ पर देने का मन नहीं है। तो इसलिए पहले कोई प्रॉपर जो लॉकर फैसिलिटी होती है वो देख रहा हूँ यहाँ बस स्टॉप पे। अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता तो फिर रिस्क लेके उन्हीं को देना पड़ेगा। बट पहले यहाँ बस स्टेशन पे देखते हैं। अभी मेरी हेलीकॉप्टर राइड 3 घंटे बाद है, तो मेरे पास टाइम भी है थोड़ा बहुत और घूमने का। तो बस स्टॉप के पास ये दुकान ढूँढी है। यहाँ पर लिखा हुआ है लगेज स्टोरेज, पे बाय द आवर। तो इसी की मैं बात कर रहा था कि आप इन दुकानों पर स्टोर कर सकते हो। नॉर्मल तो मुझे कोई मिला नहीं, तो यहीं देख के आते हैं। तो लगेज तो स्टोर हो गया है एंड होपफुली कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि यार बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लिस्टेड था। एंड आप इंश्योरेंस चूज़ कर सकते हो, मुझे पता नहीं था। सिर्फ $3 एक्स्ट्रा दे के आप $5000 तक की इंश्योरेंस ले सकते हो, कि अगर कुछ भी मिसिंग होता है तो आप प्रॉपर क्लेम कर सकते हो। तो सिक्योर ही है एंड अब कम से कम आराम से घूम सकता हूँ, क्योंकि अब शाम तक का टाइम है। पहले 1-2 चीज़ें वो देखता हूँ जो मेरी रह गई है यहाँ पर। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने पूरी सिटी एक्सप्लोर कर ली है, सारी चीज़ें देख ली यहाँ पे। एंड फिर हेलीकॉप्टर राइड के लिए चलेंगे। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार मतलब मैंने और यूट्यूबर्स को देखा है करते हुए, एंड जो व्यूज़ होते हैं वो अलग ही लगते हैं। तो मैं तो आप लोगों के साथ पूरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ही, एंड आप लोगों को एंड में ज़रूर बताऊँगा कि वर्थ इट है या नहीं। क्योंकि अराउंड ये हेलीकॉप्टर राइड आपको $270-280 की पड़ेगी, तो थोड़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन डेक पे जाना अराउंड 50-60 के बीच में होता है। तो सबसे पहले मैं जाने की सोच रहा हूँ यहाँ के वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क। मैंने आपको बहुत सारे पार्क्स दिखाए यहाँ पे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ जितने भी पार्क्स हैं न्यूयॉर्क सिटी में, यार उनसे व्यूज़ बहुत ही अच्छे होते हैं। स्पेशली सबसे बड़ा तो सेंट्रल पार्क है। मैंने ब्रायंट पार्क विज़िट किया था एंड बैटरी पार्क। एंड ये जो वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क है, ये यहाँ के ग्रीनिच और वेस्ट विलेज इस एरिया के पास है। एंड ये 2 एरिया भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, स्पेशली लोकल्स के अमंग, क्योंकि जो लोकल बंदा है यार वो कभी टाइम स्क्वायर नहीं आएगा अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में रहते हो। तो ये बेसिकली सिर्फ टूरिस्ट के लिए एरिया। बट ये वेस्ट विलेज और जो ग्रीनिच एरिया है, यहाँ पर लोकल्स जाते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। बेस्ट पिज़्ज़ा भी ट्राई करना है, जो न्यूयॉर्क की स्लाइस होती है पिज़्ज़ा की, वो भी अभी तक ट्राई नहीं करी है। तो पहले ये पार्क देख के आते हैं वाशिंगटन स्क्वायर का, उसके बाद आसपास आपको यहाँ का बेस्ट पिज़्ज़ा भी दिखाता हूँ न्यूयॉर्क सिटी का। सबवे की टिकट लेते हैं एंड मैं आपको प्राइसेस भी बता देता हूँ यहाँ सारे। तो बेसिकली सिंगल राइड जो होती है यहाँ पर वो $3 की है एंड मेट्रो कार्ड आप $10 का बनवा सकते हो, उसमें $9 क्रेडिट आता है। एंड अगर आपको पूरे हफ्ते का चाहिए तो $30 का होता है, जिसमें अनलिमिटेड राइड होंगी एक हफ्ते के लिए। अभी मैं एक सिंगल राइड लेता हूँ, $3 की है। एंड ये मैंने सिर्फ न्यूयॉर्क में देखा कि टिकट आपको क्रेडिट कार्ड की तरह ही ऐसे स्वाइप करनी पड़ती है। मुझे ए सबवे लेनी है डाउनटाउन की तरफ। एंड आई थिंक यार बहुत लोग क्यूरियस होंगे कि अगर आप यहाँ न्यूयॉर्क आओ तो रुकना कहाँ चाहिए। मैं पिछले 5-6 दिन से यहाँ हूँ एंड मैंने ऑलमोस्ट सारे एरिया एक्सप्लोर कर लिए हैं। तो अगर मैं आपको रिकमेंडेशन दूँ तो अगर आपको सबसे ज़्यादा इन्जॉय करना है तो आपको मिड टाउन में रुकना चाहिए, जहाँ पर सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टाइम स्क्वायर, रॉकफेलर सेंटर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये सब कुछ बिल्कुल मिड टाउन में है। मैं अप टाउन में रुका हुआ था, हार्लेम वाला एरिया जो अपर मैनहट्टन है, वहाँ पर इतना कुछ नहीं है करने को। कनेक्शन काफ़ी अच्छे थे मिड टाउन के, बट इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि मैंने काफ़ी हाई पे भी किया था, उसके बाद भी मुझे वर्थ इट नहीं लगा। तो सबसे बेस्ट मिड टाउन है, बट आप डाउनटाउन भी रुक सकते हो जो लोअर मैनहट्टन है, वहाँ पे पूरा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, वॉल स्ट्रीट, ब्रुकलिन ब्रिज। तो ये दो एरिया मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है अगर आपका बजट अलाउ करता है, क्योंकि ये दोनों जगह बहुत महंगी है। अगर आप थोड़ा बजट पर आ रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप न्यू जर्सी में रुको। सिर्फ 20-25 मिनट बस चलती है न्यू जर्सी के लिए एंड न्यू जर्सी में आपको आधे रेट मिलेंगे अपार्टमेंट्स के। तो अगर आप बजट पे हो तो न्यू जर्सी रुकने का फ़ायदा है। तो यहाँ न्यूयॉर्क में ये सबवे स्टेशन पे ऐसी परफॉर्मेंसेस चलती रहती हैं, कभी कोई गिटार बजा रहा होता है, कभी कोई कुछ कर रहा है। तो ये यहाँ का वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क एंड पार्क के बीचों बीच एक लाइव बैंड परफॉर्म कर रहा है। तो हर जगह लाइव म्यूज़िक चलता ही रहता है सिटी में एंड इस वाशिंगटन स्क्वायर पार्क के बिल्कुल साथ में है न्यूयॉर्क की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी NYU, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है। आई थिंक इट्स ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वंस। तो इस पार्क में आपको स्टूडेंट्स बहुत दिखेंगे जो NYU में पढ़ रहे हैं, मतलब ब्रेक टाइम पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये पार्क आप बेसिकली ये समझ लो कि NYU के कैंपस पे ही है, बिल्कुल बीचों बीच। तो ये जो एरिया है जहाँ पर अभी मैं हूँ, ये है यहाँ का ग्रेनिच विलेज। ये और वेस्ट विलेज जो मैं आपको बता रहा था सबसे फेमस नाइट लाइफ के लिए भी है। अगर आपको मैनहट्टन में नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो यहाँ पर सारे लोकल्स वगैरह आपको मिलेंगे, क्योंकि टाइम स्क्वायर पर तो सिर्फ टूरिस्ट दिखेंगे, बट ये एरिया ऐसा है कि बहुत सारे लोकल्स भी आते हैं यहाँ पार्टी करने। तो एक थोड़ा कहते हैं ना कि वहीं जाना चाहिए सिटी में जहाँ लोकल जाते हैं, तो एक एक्सपीरियंस बिल्कुल यूनिक होता है। एंड यहाँ सामने एक ये आई थिंक फार्मर्स मार्केट लगी हुई है, क्योंकि आज वीकेंड है। यहाँ US में बहुत चलती हैं ऐसी मार्केट, हर वीकेंड सारे जो फार्मर्स और जो सेलर होते हैं वो आ जाते हैं अपनी चीज़ें लेके, ऐसे स्टॉल्स लगा लेते हैं। एंड यार ये मैंने बहुत देखा आजकल यहाँ US में, ये कलरफुल सॉक्स का फैशन चल गया है। इतनी सारी दुकानें देखी मैंने इसकी, ये पूरी मार्केट लगी हुई है। देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। तो यहाँ पर ये सारे बाक्स प्रोडक्ट्स, इधर ज्वेलरी मिल रही है, यहाँ सामने ये मिल रहे हैं जापानीज डम्पलिंग्स। काफ़ी बड़ी मार्केट है, बहुत आगे जाके तक है। सो गाइज ये है जगह विलेज स्क्वायर पिज़्ज़ा। दिस इज़ सपोज टू बी द बेस्ट पिज़्ज़ा इन न्यूयॉर्क सिटी। अंदर जाके ट्राई करते हैं। गाइज पिज़्ज़ा ले लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो यहाँ पिज़्ज़ा के साथ ये हॉट हनी देते हैं, स्पाइसी हनी। मतलब बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है स्वीट एंड स्पाइसी का। थोड़ा सा हनी डालता हूँ इस पर एंड अब आपको ट्राई करके बताता हूँ। काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा है, मतलब बहुत ही क्रिस्पी है बाहर से एंड अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। एंड जो ये सॉस है ये बहुत फ्लेवरफुल है, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा अगर आप यहाँ न्यूयॉर्क सिटी आ रहे हो तो ये पिज़्ज़ा प्लेस ज़रूर ट्राई करना। इसकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड गाइज़ अब फाइनली टाइम है न्यूयॉर्क के हेलीपैड जाने का एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ न्यूयॉर्क सिटी फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर। A new place, a new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. I feel so alive as I reach out to you. So guys, finally the helicopter experience is done. बहुत ही बढ़िया experience था, क्योंकि especially यार न्यूयॉर्क सिटी ऐसी है कि इतनी ज़्यादा skyscrapers हैं एंड वो जो ऊपर से व्यू आता है मतलब वो बिल्कुल ही अलग था। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड करूँगा अगर आप न्यूयॉर्क आ रहे हो तो हेलीकॉप्टर एक्सपीरियंस ज़रूर ट्राई करना। टू बी ऑनेस्ट मुझे एक चीज़ की बस थोड़ी सी दिक्कत लगी कि इवन दो आप बहुत अच्छे व्यूज़ इन्जॉय कर सकते हो, हेलीकॉप्टर से आप फ़ोटोज़ नहीं ले सकते व्यू के साथ। उसके लिए जो ये ऑब्जर्वेशन डेस्क हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ चाहिए, पिक्चर्स ज़्यादा चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑब्जर्वेशन डेस्क जाना। बट अगर खुद व्यू इन्जॉय कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर से अच्छे कहीं नहीं आएंगे। एंड एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो मेरा हेलीकॉप्टर टूर था ये मुझे प्रोवाइड कराया था हेडआउट ऐप ने। हेडआउट बेसिकली एक बुकिंग ऐप है जिसके थ्रू आप टूर्स एंड अट्रैक्शंस बुक करा सकते हो, सिर्फ यहाँ न्यूयॉर्क में नहीं बट दुबई में, यूरोप में, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में। आप कहीं भी जाओ अगर आपको कोई भी अट्रैक्शन बुक करानी है, डिज्नीलैंड की टिकट, कोई भी अट्रैक्शन टूर, तो आप हेडआउट पर जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छे प्राइसेस देते हैं ये लोग। तो अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हो अब्रॉड, आपको कोई भी टूर या फिर अट्रैक्शन बुक करानी है, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। एंड अब मुझे जाना है वापस अपने लगेज उठाने, क्योंकि फिर एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट है लॉस एंजलिस की 3 घंटे बाद। एंड यार आज सैटरडे नाइट है तो मतलब अभी से सारे बार बिल्कुल फुल हो गए हैं। अभी 6:30 बजे है, ये बिल्कुल ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक ओपन बार है, अभी से लाइन लगी हुई है, 6 बजे है अभी। एंड जैसी मैंने आपको सुबह फार्मर्स मार्केट दिखाई थी, सेम बिल्कुल वैसी मार्केट यहाँ भी लगी हुई है डाउनटाउन में। आई थिंक हर वीकेंड लगती होगी ये मार्केट। एंड सामने काफ़ी अच्छा व्यू है। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ अमेरिका में ये मिस्ट्री बॉक्स का कॉन्सेप्ट बहुत चलता है कि ये लोग सेल कर रहे होते हैं $25 में मिस्ट्री बॉक्स। तो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि निकलने को अंदर जो सामान है वो $25 से ज़्यादा का भी हो सकता है बट कम का भी हो सकता है, तो ये आपके लक के ऊपर है। बहुत लोगों की अच्छी अच्छी चीज़ें भी निकल जाती हैं।